बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म है शोले। बेहद शानदार स्टार कास्ट से सजी शोले ने जाने कितने ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बेशक उनमें से बहुत से रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, लेकिन शोले के बनाए कुछ रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं। 3 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने लगभग 45 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक दोनों ही जबरदस्त हिट साबित हुए थे। अमिताभ और धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी को शोले ने चरम पर पहुंचा दिया था। किस्सा टीवी आज आपको शोले फिल्म की मेकिंग से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प कहानियां बताएगा और हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आएगी। पहली कहानी, शोले में अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट ने भी काम किया है। मुश्ताक मर्चेंट उस जमाने के फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट व कॉमेडियन थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पहचान नहीं मिल पाई जो कोई भी अभिनेता अपने लिए चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुश्ताक मर्चेंट ने शोले में 2 रोल निभाए थे। शोले के मशहूर ट्रेन वाले सीन में मुश्ताक मर्चेंट ट्रेन ड्राइवर बने थे। वहीं फिल्म के ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में जब जय और वीरू एक पारसी आदमी की बाइक चुराते हैं तो उस पारसी आदमी का किरदार भी मुश्ताक मर्चेंट ने ही निभाया था। अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। 27 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया था। दूसरी कहानी, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में धर्मेंद्र शोले के ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाओगे तो संजीव कुमार वीरू का रोल निभाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हीरोइन हेमा मालिनी संजीव कुमार के साथ रोमांस करेंगी। ये वो वक्त था जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए कुछ ही दिन पहले प्रपोज किया था और धर्मेंद्र भी ये बात जानते थे, जबकि धर्मेंद्र खुद भी हेमा मालिनी से प्यार करते थे। रमेश सिप्पी के समझाने पर धर्मेंद्र मान गए और ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाने की जिद छोड़कर वीरू का किरदार जीने के लिए तैयार हो गए। तीसरी कहानी, शोले के मुख्य किरदारों का नाम जय और वीरू कैसे पड़ा ये भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल सलीम खान जब इंदौर में रहा करते थे तो उनके 2 दोस्त थे जिनके नाम थे वीरेंद्र सिंह ब्यास, जिन्हें सलीम खान प्यार से वीरू कहा करते थे, जबकि सलीम खान के दूसरे दोस्त का नाम था जय सिंह राव कलेवर। जहां वीरेंद्र सिंह ब्यास उर्फ वीरू के पिता इंदौर की खजराना कोठी के जागीरदार हुआ करते थे तो वहीं जय सिंह राव पिंडारी योद्धा समाज से थे और उनके पिता सब्जियां उगाया करते थे। सलीम खान की इन दोनों से ही बहुत बढ़िया दोस्ती थी, इसीलिए इन दोनों के ही नाम पर सलीम खान ने शोले के मुख्य किरदारों को जय और वीरू नाम दिया था। चौथी कहानी, साल 1975 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी शोले। शुरुआती असफलताओं के बावजूद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वो था बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड, जो कि फिल्म के एडिटर SM शिंदे को मिला था। उस साल ज्यादातर फिल्म फेयर अवार्ड दीवार को मिले थे और इत्तेफाक से दीवार में भी अमिताभ बच्चन ही मुख्य भूमिका में थे, जबकि दीवार की कहानी भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी। पांचवी कहानी, शोले के बाद अमजद खान का निभाया गब्बर सिंह का किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस किरदार की पॉपुलैरिटी का आलम क्या था इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ब्रिटानिया बिस्किट ने अपने TV कमर्शियल में अमजद खान के गब्बर सिंह के कैरेक्टर को ही पिक्चराइज किया था और भारतीय TV कमर्शियल के इतिहास में ये पहली दफा था जब किसी विलेन के किरदार को किसी TV कमर्शियल में मुख्य भूमिका में लिया गया था और ब्रिटानिया का ये TV कमर्शियल जबरदस्त हिट रहा था। खास तौर पर बच्चों को ये कमर्शियल बहुत पसंद आया था। छठी कहानी, शोले देख चुका लगभग हर आदमी ये बात मान चुका है कि फिल्म में सांभा का केवल एक ही डायलॉग है पूरे 50,000, लेकिन ये सही नहीं है। फिल्म में सांभा के वास्तव में 3 डायलॉग हैं। फिल्म का वो सीन जब अहमद रामगढ़ से शहर आ रहा होता है तो गब्बर के गुंडे रास्ते में ताश खेल रहे होते हैं, उन गुंडों में सांभा भी होता है और इस सीन में सांभा डायलॉग बोलता है,
चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। तब दूसरा गुंडा कहता है कि चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। इसके बाद ये लोग अहमद को पकड़कर गब्बर के पास ले जाते हैं, जहां सांभा गब्बर से कहता है, सरदार ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमें रास्ते में मिला। सातवीं कहानी। शोले जब रिलीज हुई थी तो इसे बिल्कुल भी दर्शक नहीं मिल पा रहे थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि सोमवार को सिनेमाघरों ने शोले को उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन शनिवार और रविवार को माउथ पब्लिसिटी ने शोले को लेकर सिने प्रेमियों के दिलों में इतनी उत्सुकता भर दी थी कि सोमवार को दर्शकों का हुजूम इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसके बाद तो शोले ने इतिहास रच दिया। कुछ सिनेमाघरों ने तो शोले को कई सालों तक अपने यहाँ प्रदर्शित किया। सालों बाद शोले का रिकॉर्ड शाहरुख खान की DDLJ ने तोड़ा था। आठवीं कहानी। शोले के गब्बर सिंह का रोल निभाकर अमजद खान ने अपना नाम हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया था। लेकिन 50 के दशक में भारत के ग्वालियर इलाके में वास्तव में एक डकैत हुआ करता था जिसका नाम गब्बर सिंह ही था। कहा जाता है कि वो डकैत पुलिस वालों से बेहद नफरत करता था। जब भी कोई पुलिस वाला उसके चंगुल में फंस जाता था तो वो उनके नाक और कान काट लिया करता था। नवी कहानी। शोले का ओरिजिनल बजट 3 करोड़ रुपए था। इस फिल्म ने लगभग 45 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन साल 2014 में शोले को 3D में भी रिलीज किया गया था और शोले को 3D में रिलीज करने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं फिल्म में सांभा का बहुत ही छोटा सा रोल निभाने वाले मैकमोहन ने 27 दफ़ा बॉम्बे से बेंगलोर तक की यात्रा की थी। इस दौरान कई दफ़ा वो ट्रेन से बेंगलोर पहुंचे थे और कई दफ़ा फ्लाइट से भी उन्होंने बेंगलोर तक का सफ़र पूरा किया था। दसवीं कहानी। शोले की कहानी जितनी पसंद की गई थी इसका म्यूजिक भी उतना ही पसंद किया गया था। फिल्म में कुल 6 गीत थे और इन सभी गीतों को महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने लिखा था, जबकि फिल्म का संगीत दिया था RD बर्मन ने। शोले में एक कव्वाली भी रखी गई थी जिसका टाइटल था के चांद सा कोई चेहरा, और ये कव्वाली भी आनंद बख्शी जी ने ही लिखी थी। इस कव्वाली को रिकॉर्ड तो कर लिया गया था लेकिन इसे शूट ना किया जा सका, और चूंकि शोले की लंबाई पहले ही काफी ज्यादा हो चुकी थी तो फाइनली इस कव्वाली को फिल्म से हटा दिया गया। एक और रोचक बात जो इस कव्वाली से जुड़ी है वो ये कि इस कव्वाली में गीतकार आनंद बख्शी ने भी अपनी आवाज दी थी, जबकि किशोर कुमार और मन्ना डे ने इस कव्वाली को गाया था। आप चाहें तो YouTube पर इस कव्वाली को सुन भी सकते हैं। 11वीं कहानी। शोले के सूरमा भोपाली के किरदार को भला कौन भुला सकता है। महान कॉमेडियन जगदीप ने यह रोल निभाया था और इसी के साथ जगदीप भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए। लेकिन सूरमा भोपाली के किरदार से भी एक रोचक किस्सा जुड़ा है। दरअसल पूरी फिल्म कंप्लीट होने के बाद सूरमा भोपाली का किरदार इसमें डाला गया था और सलीम जावेद ने काफी जिद करके सूरमा भोपाली के किरदार को फिल्म में डलवाया था, जबकि पहले रमेश सिप्पी इस किरदार को फिल्म में लेना ही नहीं चाहते थे। इस रोल के लिए जब पहली दफा जगदीप साहब को अप्रोच किया गया तो उन्होंने ये रोल निभाने से मना कर दिया। जगदीप इसलिए ये रोल नहीं करना चाहते थे कि एक तो फिल्म पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और दूसरा ये कि जगदीप पहले इस फिल्म में असरानी का निभाया जेलर वाला रोल निभाना चाहते थे। वहीं प्रोड्यूसर GP Sippy ने ब्रह्मचारी फिल्म के पैसे भी उस वक्त तक जगदीप को नहीं दिए थे, लेकिन सलीम जावेद के मनाने पर आखिरकार जगदीप इस शर्त पर यह रोल निभाने को मान गए कि रोल चाहे छोटा ही क्यों ना हो उन्हें उनकी पूरी फीस दी जाएगी और उनका पुराना बकाया भी चुकाया जाएगा। और आखिरकार जगदीप का निभाया सूरमा भोपाली का वो किरदार अमर हो गया। 12वीं कहानी। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि किसी वक्त पर सलीम जावेद सूरमा भोपाली के किरदार के लिए प्राण साहब को भी लेने पर विचार कर रहे थे, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें बताया कि प्राण साहब शायद उतनी बढ़िया भोपाली नहीं बोल पाएंगे जितने की इस रोल के लिए चाहिए होगी। क्योंकि प्राण साहब पंजाबी हैं तो हो सकता है कि उनका पंजाबी एक्सेंट सूरमा भोपाली के किरदार पर हावी हो जाए। रमेश सिप्पी की बात सलीम जावेद को समझ में आ गई और आखिरकार प्राण साहब को सूरमा भोपाली के किरदार में लेने का विचार उन्होंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि सालों बाद एक इंटरव्यू में प्राण साहब ने
में कहा भी था कि अगर उन पर भरोसा किया जाता तो वो इस रोल के लिए अपनी जान लड़ा देते। 13वीं कहानी, शोले में संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम ठाकुर बलदेव सिंह कैसे पड़ा, इसके पीछे का किस्सा छोटा लेकिन दिलचस्प है। दरअसल सलीम खान के ससुर यानी सलमा खान के पिता का नाम ठाकुर बलदेव सिंह ही था। वो पेशे से एक डेंटिस्ट थे और मुंबई के माहिम इलाके में उनका क्लिनिक हुआ करता था। सलीम खान ने उन्हीं के नाम पर उस कैरेक्टर का नाम ठाकुर बलदेव सिंह रखा था। 14वीं कहानी, शोले के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, लेकिन रमेश सिप्पी से भी पहले सलीम जावेद उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई के पास गए थे। मगर चूंकि उन दिनों मनमोहन देसाई चाचा भतीजा फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो उन्होंने शोले को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। इत्तफाक से चाचा भतीजा में धर्मेंद्र ही काम कर रहे थे और इस फिल्म की कहानी भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी। 15वीं कहानी, किसी जमाने में सलीम जावेद ने प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को मजबूर फिल्म की कहानी बेची थी। उसी दौरान ही सलीम जावेद ने जीपी सिप्पी को चार लाइनों में लिखे शोले के आइडिया को भी बेचा था। आपको जानकर हैरत होगी कि सलीम जावेद ने महज 1.5 लाख रुपए में शोले का यह आइडिया सेल किया था, जबकि मजबूर के लिए उन्होंने जीपी सिप्पी से 2 लाख रुपए लिए थे। हालांकि बाद में जीपी सिप्पी ने प्रोड्यूसर प्रेम जी को मजबूर फिल्म की कहानी बेच दी थी। फिर साल 1972 में जब सीता और गीता की सक्सेस पार्टी हो रही थी तो उसमें जीपी सिप्पी ने अपने बेटे रमेश सिप्पी से कहा था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर उन्हें कोई एक्शन फिल्म बनानी चाहिए। इस तरह शोले फिल्म की नींव पड़ी थी। 16वीं कहानी, साल 2007 में राम गोपाल वर्मा ने राम गोपाल वर्मा की आग नाम से एक फिल्म बनाई थी जो कि शोले की ही रीमेक थी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गब्बर का रोल निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी और बिना इजाजत शोले का रीमेक बनाने की वजह से राम गोपाल वर्मा पर अदालत ने साल 2015 में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सत्रहवीं कहानी, फिल्म में अभिनेता मैकमोहन का निभाया सांभा का किरदार भी हमेशा के लिए यादगार बन गया। सांभा का ये रोल इतना ज्यादा चर्चित हुआ था कि सिप्पी ग्रुप ने तो इसी नाम से एक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी थी, जिसमें उन्होंने मैकमोहन को ही लीड रोल में लेने की बात कही थी, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिर साल 2010 में आई फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में भी सांभा का किरदार रखे जाने पर विचार किया गया था। अपने किरदार को शूट करने के लिए मैकमोहन फिल्म के सेट पर भी गए थे, लेकिन सेट पर ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल उन दिनों मैकमोहन कैंसर से जूझ रहे थे। बाद में मैकमोहन के किरदार सांभा को रिप्लेस करके विजू खोटे के निभाए कालिया के किरदार को अतिथि तुम कब जाओगे में शामिल किया गया था। 18वीं कहानी, 15 अगस्त 1996 को पहली दफा शोले फिल्म को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। इत्तेफाक से ये शोले फिल्म की 21वीं सालगिरह भी थी। जैसे ही ये खबर फैली कि शोले टीवी पर आ रही है, देश के कई हिस्सों में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब शोले टीवी पर आनी शुरू हुई थी। लोगों ने इस फिल्म को टीवी पर पहली दफा देखने के लिए अपने काम से छुट्टी ले ली थी। 19वीं कहानी, फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट उनकी पत्नी जया बच्चन नजर आई थी। शोले की शूटिंग से पहले ही अमिताभ और जया बच्चन की शादी हो चुकी थी। जिस वक्त जया बच्चन अपने रोल की शूटिंग कर रही थी उस वक्त वो गर्भवती थी और उनके गर्भ में उनकी बेटी श्वेता बच्चन थी। और इत्तेफाक से जब शोले रिलीज हुई थी तो उस वक्त जया बच्चन दोबारा गर्भवती हो चुकी थी और इस दफा इनके गर्भ में बेटा अभिषेक बच्चन था। 20वीं कहानी, साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज अपना अपना में सलीम खान के बेटे सलमान खान ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि सलमान खान जब अंदाज अपना अपना के प्रेम के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने शोले फिल्म देखी है। तब सलमान खान ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने 10 दफा शोले फिल्म देखी है।
इत्तेफाक से उस वक्त आमिर खान भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मजाक मजाक में सबके सामने कहा कि इसके बाप ने ही तो लिखी है। 21वीं कहानी। शोले फिल्म की मेकिंग के दौरान ही अमजद खान और लेखक जोड़ी सलीम जावेद के बीच मतभेद होने शुरू हो गए थे। एक वक्त वो था जब जावेद अख्तर खुद अमजद खान को गब्बर सिंह का रोल निभाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाद में जब जावेद अख्तर ही उन्हें फिल्म से निकलवाना चाहते थे। दरअसल सलीम खान और जावेद अख्तर को अमजद खान की आवाज गब्बर सिंह के कैरेक्टर के मुताबिक नहीं लग रही थी। अमजद खान को जब पता चला कि सलीम जावेद उन्हें फिल्म से निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सलीम जावेद से बात करना लगभग बंद ही कर दिया। फिल्म के प्रीमियर के दौरान सलीम खान ने काफी शराब पी रखी थी और नशे में वो अमजद खान से भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। बताया जाता है कि दोनों के बीच हाथापाई भी होने वाली थी, लेकिन तभी अमिताभ बच्चन ने इन दोनों को शांत कराया। अगले दिन सलीम खान ने अपनी गलती के लिए अमजद खान से माफी भी मांगी, लेकिन अमजद खान ने दोबारा कभी सलीम जावेद की लिखी किसी फिल्म में काम नहीं किया। 22वीं कहानी। साल 2007 में जब आईफा अवार्ड्स में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था तो उस वक्त स्टेज पर अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र को धन्यवाद करते हुए कहा था कि अगर धर्मेंद्र ने उनके नाम की सिफारिश ना की होती तो वो कभी भी शोले का हिस्सा नहीं बन पाते। दरअसल सलीम जावेद ने जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को फाइनल कर लिया था, लेकिन चूंकि सिप्पी कैंप में धर्मेंद्र की तगड़ी बात थी तो उन्होंने जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश की और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने धर्मेंद्र के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा को हटाकर अमिताभ को इस रोल के लिए साइन कर लिया। दरअसल अमिताभ व धर्मेंद्र इसी साल यानी 1975 की अप्रैल में रिलीज हुई चुपके चुपके में साथ काम कर चुके थे और इस दौरान दोनों की बढ़िया दोस्ती भी हो गई थी। 23वीं कहानी। फिल्म शोले जब शुरू होती है तो क्रेडिट्स में अमजद खान के नाम के लिए इंट्रोड्यूसिंग अमजद खान लिखा गया था। इसका मतलब हुआ कि अमजद खान की पहली फिल्म शोले ही थी, जबकि ये बात सही नहीं है। शोले से भी लगभग 2 साल पहले रिलीज हुई चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में अमजद खान पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट का किरदार निभा चुके थे। 24वीं कहानी। शोले की कहानी और डायलॉग्स कितने पसंद किए गए थे इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब शोले के ऑडियो कैसेट्स बाजार में लॉन्च किए गए तो लोगों ने इन्हें जमकर खरीदा। लोग अक्सर अपने घर में बैठे शोले के डायलॉग्स और इसकी कहानी टेप रिकॉर्डर पर सुना करते थे। कई लोग तो ऐसे भी थे जो काम के साथ साथ शोले की कैसेट चला देते थे और साथ साथ काम करते रहते थे। 25वीं कहानी। शोले में सूरमा भोपाली बने जगदीप का किरदार इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि साल 1988 में इन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम ही सूरमा भोपाली था और उस फिल्म में जगदीप ही लीड रोल में थे। इसके बाद अंदाज अपना अपना में भी जगदीप ने एक भोपाली का ही किरदार निभाया था। शोले के सूरमा भोपाली का किरदार जावेद अख्तर ने लिखा था। दरअसल जावेद अख्तर खुद भी भोपाल से ही हैं। भोपाल में वो एक ऐसे आदमी को जानते थे जो एकदम उसी अंदाज में बोलता था जैसे कि शोले का सूरमा भोपाली बोलता है। 26वीं कहानी। शोले की ज्यादातर शूटिंग बेंगलोर के पास रामनगरम इलाके में हुई थी। उस इलाके में चारों तरफ ग्रेनाइट की चट्टाने हैं। इन्हीं चट्टानों के बीच की एक लोकेशन पर गब्बर के ठिकाने का सेट लगाया गया था। जिस वक्त शोले की शूटिंग हुई थी उस वक्त इस इलाके में रहने वाले लोगों ने फिल्म यूनिट को काफी सपोर्ट किया था। लोगों ने डायरेक्टर रमेश सिप्पी के नाम पर रामनगरम के एक इलाके का नाम सिप्पी नगर रख दिया था। आज भी उस इलाके को सिप्पी नगर ही कहा जाता है। एक और रोचक बात जो इस जगह से जुड़ी है वो ये कि ठाकुर का घर गब्बर के चट्टानों वाले इलाके के ऊपर ही मौजूद था, लेकिन फिल्म देखने पर हमें लगता है मानो ठाकुर किसी गांव में रहता है और गब्बर उस गांव से बहुत दूर किसी बीहड़ में रहता है। 27वीं कहानी। शोले में हेमा मालिनी के बॉडी डबल की हैसियत से रेशमा पठान नाम की महिला ने काम किया था। 70 और 80 के दशक में रेशमा पठान ने लगभग हर हीरोइन के बॉडी डबल के तौर पर स्टंट्स किए थे।
उस जमाने में रेशमा पठान बॉलीवुड की नामी स्टंट वुमन हुआ करती थी। शोले का वो सीन जिसमें हेमा मालिनी गब्बर के गुंडों से बचने के लिए अपने तांगे को भगाती है, वो रेशमा पठान पर ही शूट किया गया था। लेकिन इस सीन को शूट करते वक्त तांगा पलटने की वजह से रेशमा पठान बुरी तरह से घायल हो गई थी। रमेश सिप्पी को लगा कि शायद अब रेशमा पठान वापस शूटिंग पर नहीं आ पाएंगी, इसलिए उन्होंने वो सीन ही हटाने का फैसला कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रेशमा फिर से शूटिंग पर लौट आई और इस दफा उन्होंने वो सीन पूरा शूट कर ही लिया। 28वीं कहानी। शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले विजू खोटे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे तो रमेश सिप्पी के ऑफिस के बाहर उनकी मुलाकात अमजद खान से हुई थी। अमजद ने विजू से कहा, विजू कर ले यार, बहुत अच्छा रोल है। कुछ महीनों बाद विजू को पता चला था कि इस रोल के लिए अमजद खान ने ही रमेश सिप्पी को उनका नाम सुझाया था। दरअसल पहले रमेश सिप्पी ने एक स्टंटमैन को इस रोल के लिए साइन किया था, ये सोचकर कि छोटा सा रोल है, कोई भी कर लेगा। रमेश सिप्पी ने उस स्टंटमैन के साथ शूटिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन वो स्टंटमैन एक्टिंग के मामले में कमजोर साबित हुआ। तब रमेश सिप्पी ने कहा कि इस रोल को किसी ऐसे इंसान से ही कराना पड़ेगा जो एक्टिंग करना जानता हो। फिर जब अमजद खान ने विजू खोटे का नाम सुझाया तो रमेश सिप्पी ने विजू को ऑडिशन के लिए बुला लिया और कालिया के रोल के लिए उन्हें फाइनल भी कर लिया और आखिरकार कालिया का वो रोल भी अमर हो गया। 29वीं कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले की शूटिंग पूरी होने के बाद जब इसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने देने से इनकार कर दिया था। सेंसर बोर्ड का मानना था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, ऐसे में रमेश सिप्पी केवल जरूरी कलाकारों को साथ लेकर फिर से रामनगरम वापस गए और उन्होंने फिल्म का आखिरी सीन दोबारा शूट किया। इस दफा गब्बर सिंह को फिल्म में मरते हुए नहीं दिखाया गया। 30वीं कहानी। शोले फिल्म का वो सीन जिसमें वीरू बसंती को बंदूक चलाना सिखाता है और अमिताभ बच्चन यानी जय इस सीन में वीरू की टांग खींचता है। इस सीन में जय वीरू को कहता है कि जेम्स बॉन्ड के पोते हैं, लेकिन पहले जय ने यहाँ पर एक दूसरा डायलॉग बोला था। जय ने वीरू की टांग खींचते हुए कहा था कि तात्या टोपे के पोते हैं, मगर बाद में इस डायलॉग को किन्हीं कारणों से बदल दिया गया था और इसमें तात्या टोपे की जगह जेम्स बॉन्ड का नाम डाला गया था। 31वीं कहानी। शोले एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे सितारों से सजी फिल्म को देखने वाले दर्शकों में अक्सर ऐसे लोग हुआ करते थे जो या तो धर्मेंद्र के लिए फिल्म देखने जाते थे या फिर अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म देखने जाते थे। संजीव कुमार का अपना फैन बेस हुआ करता था और उनके फैंस केवल उनके लिए ये फिल्म देखने थिएटरों तक जा रहे थे, जबकि हेमा मालिनी को चाहने वाले लोग उनके लिए शोले फिल्म देखने जा रहे थे। मगर फिल्म खत्म होने के बाद जब ये लोग सिनेमा घरों से बाहर निकलते थे तो गब्बर यानी अमजद खान के फैंस बनकर लौटते थे। 32वीं कहानी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि शोले में ठाकुर का रोल निभाने वाले महान अभिनेता संजीव कुमार पहले गब्बर सिंह का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी को संजीव कुमार का गब्बर का रोल निभाना किसी एंगल से सही नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने संजीव कुमार से साफ कह दिया कि आप गब्बर का रोल तो निभा ही नहीं सकते। फिर एक दिन संजीव कुमार ने अपने बाल रंगे और अपने दांतों पर भी कुछ धब्बे लगाए और फिर वो वापस रमेश सिप्पी व सलीम जावेद के पास गए, मगर रमेश सिप्पी को संजीव कुमार गब्बर के रोल के लिए कहीं से भी फिट नहीं लगे, जबकि सलीम जावेद तो पहले ही उन्हें मना कर चुके थे। आखिरकार उन्हें ठाकुर का रोल ही निभाना पड़ा। 33वीं कहानी। लेखक सलीम खान चाहते थे कि इस फिल्म का नाम शोले न रखकर अंगारे रखा जाए, लेकिन बाद में उन्होंने ही अंगारे की जगह शोले टाइटल इस फिल्म को देने का आइडिया दिया। साथ ही फिल्म के गीत महबूबा महबूबा से भी एक किस्सा जुड़ा है। पहले ये गीत किशोर कुमार गाने वाले थे, लेकिन जिस दिन इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग होने वाली थी उस दिन किशोर दास स्टूडियो में पहुंच ही नहीं पाए। चूंकि आर डी बर्मन इस गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड कर ही चुके थे तो फाइनल
रिकॉर्डिंग भी उन्होंने खुद ही करने का फैसला किया और आर डी बर्मन का गाया महबूबा महबूबा आज भी अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। 34वीं कहानी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शोले फिल्म के कालिया के रोल के लिए पहले रमेश सिप्पी ने एक स्टंटमैन को हायर किया था, लेकिन जब वो स्टंटमैन एक्टिंग नहीं कर सका तो रमेश सिप्पी ने फैसला किया कि कालिया का रोल किसी ट्रेंड एक्टर से ही कराया जाएगा। रमेश सिप्पी की पहली पसंद उस जमाने के कैरेक्टर आर्टिस्ट हबीब थे, लेकिन चूंकि हबीब उन दिनों अफगानिस्तान में धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो वो कालिया का रोल नहीं कर पाए थे। हालांकि जब हबीब धर्मात्मा फिल्म के अपने सीन शूट करके अफगानिस्तान से लौटे तो वो तुरंत रमेश सिप्पी के पास गए। तब रमेश सिप्पी ने हबीब को हीरा का रोल दिया। हीरा वही हथियारों का स्मगलर था जो गब्बर को हथियार मुहैया कराता है और महबूबा महबूबा सॉन्ग में वो गब्बर के साथ नजर आता है। 35वीं कहानी। इस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने सूरमा भोपाली के रोल के लिए प्राण साहब के नाम पर विचार किया था, लेकिन बाद में प्राण साहब की जगह जगदीप को सूरमा भोपाली का वो ऐतिहासिक रोल मिल गया। लेकिन शोले के अनाउंसमेंट के बाद फिल्मी गलियारों और मीडिया में ये अफवाहें उड़ने लगी कि प्राण साहब को शोले में ठाकुर के रोल के लिए साइन किया जा सकता है, मगर रमेश सिप्पी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि रमेश सिप्पी को लगता था कि ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार से बेस्ट कोई और हो ही नहीं सकता। 36वीं कहानी। अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने शोले में अहमद का रोल निभाया था। इस रोल के लिए सचिन को खुद रमेश सिप्पी ने सिलेक्ट किया था। दरअसल साल 1968 में अपने पिता जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस की फिल्म ब्रह्मचारी में रमेश सिप्पी ने सचिन को एक इमोशनल सीन करते देखा था। उस फिल्म में सचिन ने चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया था। उसी वक्त से रमेश सिप्पी सचिन पिलगांवकर की एक्टिंग को बहुत पसंद करते थे। फिर जब शोले की कास्टिंग शुरू हुई तो रमेश सिप्पी के मन में सबसे पहला नाम सचिन पिलगांवकर का ही आया। सचिन ने भी शोले के अहमद का वो रोल तुरंत लपक लिया। अहमद को गब्बर सिंह मार डालता है। अगर आप अपनी मेमोरी को फिर से बैक स्क्रॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि सचिन की मौत का सीन फिल्म में नहीं दिखाया गया था। दरअसल सेंसर बोर्ड की आपत्ति के चलते उस सीन को फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन 90 के दशक में सचिन के पैरोडी शो 1-2-3 के छोले नाम के एपिसोड में अहमद की मौत का सीन दिखाने के लिए रमेश सिप्पी से स्पेशल परमिशन ली गई थी। इस तरह शोले के अहमद की मौत का वो सीन पहली दफा पब्लिक को दिखाया गया था। सचिन और शोले का एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि सचिन ने शोले में काम करने के बदले कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन तब प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने सचिन को तोहफे में एक एसी गिफ्ट किया था जो कि सचिन की जिंदगी का पहला एसी था। 37वीं कहानी। शोले फिल्म में धर्मेंद्र का बोला गया डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना आज भी लोग बोलते हुए देखे सुने जाते हैं। इस डायलॉग की भी अपनी एक कहानी है। दरअसल ओरिजिनली ये डायलॉग इस तरह बोलना ही नहीं था। असली डायलॉग था बसंती तुम नहीं नाचना, लेकिन जब धर्मेंद्र ने अमजद खान का वो डायलॉग सुना जिसमें वो सांभा से कहते हैं कि उठा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर, तो धर्मेंद्र को लगा कि उनके फैंस को ये पसंद नहीं आएगा। धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से बात की और कहा कि वो अपने डायलॉग में भी कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करेंगे। रमेश सिप्पी ने इसकी मंजूरी दे दी और इस तरह ये डायलॉग हमेशा के लिए यादगार बन गया। 38वीं कहानी। सोल्जर फिल्म वाला जोजो तो आपको याद ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोजो का कनेक्शन भी शोले फिल्म से जुड़ा है। दरअसल जोजो का पूरा नाम जीतू वर्मा है। उनके पिता जयदेव वर्मा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और फिल्मों की शूटिंग के लिए घोड़े प्रोवाइड कराया करते थे। शोले फिल्म में जितने भी घोड़े आपने देखे होंगे वो सब जीतू वर्मा के पिता जयदेव वर्मा ने ही प्रोवाइड कराए थे। जयदेव वर्मा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे जीतू वर्मा आज भी एक्टिंग के साथ साथ घोड़ों के अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं। 39वीं कहानी। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजीव कुमार गुलजार साहब की फिल्म आंधी में भी काम कर रहे थे। संजीव कुमार साहब के शोले में काम करने से गुलजार परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शोले की वजह से संजीव कुमार उनकी फिल्म आंधी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। एक दिन गुलजार संजीव कुमार से बोले, आप ऐसी फिल्म में क्यों काम कर रहे हैं जिसमें इतने सारे हीरो हों और जिसमें एक भी गाना आपके ऊपर ना हो, साथ ही आपके अपोजिट कोई हीरोइन भी ना हो।
तब संजीव कुमार ने गुलजार साहब को जवाब दिया, शोले में गब्बर के साथ मेरे चार सीन हैं और ये चारों सीन बेहद पावरफुल हैं। ये सीन ही मेरे लिए काफी हैं। बाद में जब गुलजार ने शोले देखी तो उन्होंने भी माना कि ये फिल्म वाकई में संजीव कुमार और अमजद खान की ही फिल्म थी। 40वीं कहानी, ये तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा सुना या पढ़ा होगा कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह के किरदार के लिए मुख्य विलेन के तौर पर पहली चॉइस डैनी थे, लेकिन चूंकि उन दिनों डैनी धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने शोले फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। डैनी के इनकार करने के बाद ही गब्बर सिंह का ये रोल अमजद खान के पास गया और अमजद खान इस रोल को निभाकर अमर हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि डैनी से भी पहले गब्बर सिंह का ये रोल एक्टर प्रेमनाथ को ऑफर किया गया था। हालांकि प्रेमनाथ ने क्यों ये रोल नहीं निभाया इसका पता हम नहीं लगा पाए। 41वीं कहानी, मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोले फिल्म पूरे 5 सालों तक दिखाई गई थी। उस वक्त ये एक रिकॉर्ड था। इससे पहले साल 1943 में कलकत्ता के एक थिएटर में बॉम्बे टॉकीज की किस्मत फिल्म लगभग 3.5 साल चली थी और शोले ने इसी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। सालों बाद डीडीएलजे ने शोले का रिकॉर्ड तोड़ा और मुंबई के ही मराठा मंदिर सिनेमा में ये फिल्म आज भी चल रही है। 42वीं कहानी, शोले फिल्म में बसंती का किरदार निभाने के बाद देशभर के लोगों ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को बसंती कहना ही शुरू कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त वो भी था जब हेमा मालिनी शोले फिल्म में काम करना ही नहीं चाहती थी। वो दरअसल किसी तांगे वाली का किरदार निभाने में सकुचा रही थी। लेकिन जब रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी को समझाया और कहा कि ये फिल्म जबरदस्त कामयाब होगी तो आखिरकार हेमा मान गई। 43वीं कहानी, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। शोले फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिनों पहले ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन हेमा ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। संजीव कुमार को जब ये पता चला कि हेमा का अफेयर शादीशुदा धर्मेंद्र से चल रहा है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। इस वजह से हेमा संग उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे और इसी कारण जब ये दोनों स्टार शोले की शूटिंग के लिए बेंगलोर के पास के एक इलाके में आए तो इन दोनों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया था। 44वीं कहानी, शोले के पॉपुलर ट्रैक महबूबा महबूबा में हेलेन का डांस बहुत पसंद किया गया था। ये वो वक्त था जब हेलेन का करियर अपने ढलान की तरफ बढ़ चला था। वो अपने पति प्रेम नारायण अरोड़ा से अलग हो चुकी थी और उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हीं दिनों हेलेन की सलीम खान से दोस्ती हो गई थी, इसी सलीम खान ने हेलेन को शोले फिल्म के इस गाने में डांस करने का मौका दिला दिया, जबकि पहले इस गाने के लिए जयश्री तलपड़े को लगभग फाइनल ही कर दिया गया था। हेलेन के अपोजिट इस गाने में एक्टर जलाल आगा नजर आए थे। 45वीं कहानी, शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते और कई टेक्स में अपने सीन्स पूरे करते थे और धर्मेंद्र ये गलतियां उन सीन्स में करते थे जिनमें उन्हें हेमा मालिनी के साथ शूटिंग करनी पड़ती थी। बाद में खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र ये गलतियां इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले। धर्मेंद्र की इस चाल को जब रमेश सिप्पी ने पकड़ लिया और उन्हें ऐसा करने से मना किया तो धर्मेंद्र ने दूसरा रास्ता निकाला। वो अपने और हेमा के सीन्स की शूटिंग के लिए यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के लिए कहते और बदले में उन्हें पैसे दिया करते थे। 46वीं कहानी, जिस वक्त शोले फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त डाकुओं पर बनी कई फिल्में आ चुकी थी, लेकिन पहले की ज्यादातर फिल्मों में डाकुओं को अक्सर धोती कुर्ता पहने और माथे पर तिलक लगाए ही दिखाया गया था। मगर रमेश सिप्पी अपनी फिल्म के डाकू को एकदम अलग लुक में देखना चाहते थे। अमजद खान को जब रमेश सिप्पी की इस ख्वाहिश की जानकारी मिली तो वो मुंबई के चोर बाजार गए और वहां से आर्मी की एक पुरानी ड्रेस खरीद लाए। रमेश सिप्पी को अमजद खान का ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने अमजद को गले लगा लिया और उनसे कहा कि तुम अपने सारे सीन इसी ड्रेस में शूट करना। 47वीं कहानी, शोले फिल्म के सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा थे। उस जमाने में द्वारका दिवेचा का फिल्म इंडस्ट्री में नाम हुआ करता था। द्वारका दिवेचा ने ही शोले फिल्म की लोकेशन को रमेश सिप्पी के साथ मिलकर फाइनल किया था। फिर जब शोले रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई तो रमेश सिप्पी ने द्वारका दिवेचा के
काम से खुश होकर उन्हें एक फिएट कार तोहफे में दी थी। 48वीं कहानी। शोले जब रिलीज हुई थी तो उस जमाने के कई दिग्गज फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बहुत आलोचना की थी। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को हॉलीवुड फिल्म की नकल बताया था और कुछ हद तक ये बात सच भी थी। शोले के कई सीन्स कुछ बड़ी और नामी हॉलीवुड फिल्मों की नकल ही थे, लेकिन बाद में जब शोले सुपरहिट हो गई तो उन्हीं क्रिटिक्स के सुर अचानक बदल गए। अब उन्हीं क्रिटिक्स ने शोले को कल्ट क्लासिक कहना शुरू कर दिया। 49वीं कहानी। शोले फिल्म का गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे आज भी दोस्ती का बहुत बड़ा गीत माना जाता है। इस गीत की शुरुआत एक सीटी से होती है जो गाने की मुख्य धुन को बजा रही है। गाने में सीटी की ये आवाज निकाली थी मनोहारी सिंह ने। मनोहारी सिंह आरडी बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे और कई सालों तक उन्होंने आरडी बर्मन के साथ काम किया था। 50वीं कहानी। फिल्म में वीरू के रोल में दिखे गरम धर्म धर्मेंद्र की एक्टिंग का हर कोई कायल हो गया था। 80% कॉमेडी और 20% एग्रेशन से भरा वीरू का किरदार हर किसी को पसंद आया था। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस किरदार के लिए धर्मेंद्र का फिल्म फेयर अवार्ड पक्का हो गया है। हालांकि ऐसा हो नहीं सका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले में धर्मेंद्र ने जरा भी मेकअप अपने चेहरे पर नहीं लगाया था। वो बिना किसी टचअप या मेकअप के ही पूरी फिल्म में नजर आए थे।